नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारूक अब्दुल्ला। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। खबर बाराबंकी से है, जहां देश और प्रदेश में विद्युत करंट लगने से दिन पर दिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा। एक तरफ तो बिजली दरों को बढ़ाकर आम आदमी की जेब ऊपर बोझ डाला जा रहा है और दूसरी तरफ उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मामला बाराबंकी जनपद की तहसील राम सनेही के विकास खंड दरियाबाद का है, जहां आए दिन बिजली करंट से होने वाली दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों की तमाम शिकायतों के बाद भी बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। विकास खंड दरियाबाद के बभुनावारी गाँव में रहने वाली 32 वर्षीय महिला रेखा और उसकी 65 वर्षीय सास सांवरा सुबह 7 बजे अपने घर की छत पर किसी काम से गयी थी, जहां रेखा हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसे बचाने के प्रयास में उसकी सास सांवरा गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका के पति रामू चौहान इस घटना के बाद से अचेत अवस्था में सदमे में हैं। मृतका के भाई संदीप कुमार ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग को इस संबंध में लिखित तहरीर दी गई है और घर की छत से तार हटाने के लिए 50,000 रुपए भी देने को तैयार थे, लेकिन विद्युत विभाग इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यह घटना हुई। सवाल यह है कि जिन्हें जनता के लिए बैठाया गया है, वही जनता की शिकायतों को न सुनकर उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आखिर इतनी घटनाओं के बाद विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहा है? रामसनेही घाट से राघवन मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप कुमार। अच्छा, ये जो महिला है जिनकी डेथ हो गई है, क्या मामला था, क्या हादसा है, गाँव का है आपका? हमारी सिस्टर बहन है। अच्छा, कहाँ पे आई थी? किठाइन प्रवाह बबना भारी जो रहे ब्लॉक दरियाबाद। क्या समस्या थी? समस्या साहब, 11,000 तार छत के ऊपर निकला रहा, वही छत पर गए अपन करंट मार दिए सुबह सुबह। 11,000 छत के ऊपर से निकला? हाँ। कोई एप्लीकेशन नहीं दी? एप्लीकेशन कई बार दिन के सुनवाई नहीं भाई, बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही भाई। रुपया 50,000 दिए कहा जा रहा, तब वो तार हटाओ के लिए नहीं तैयार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर 9 पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।